माई YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये अमेजिंग सा ट्यूटोरियल, और इसको मैंने बनाया है और डिफरेंट कलर में आप इसको बना सकते हैं और इसको डेकोरेट कर सकते हैं और कीचेन भी बना सकते हैं इससे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये अमेजिंग और ब्यूटीफुल सा ट्यूटोरियल। और उसको बनाने के लिए मैंने जो वुल यूज़ की है ये 3-ply की क्रोशेट वुल है। क्रोशिया हुक है मेरा 3.0 mm। सबसे पहले हम चेन बनाएंगे, 1, 2 चेन। ये देखिए इस तरह से हम 2 चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ये देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। देखिए 15 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसको हम टाइट करेंगे यहाँ से और 1, 2 थर्ड की चेन से इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। वन चेन बनाएंगे और ये देखें सेम इसी साइज़ का हमने एक और बना के रखा है, ये भी 15 डबल क्रोशिया है और इसको टाइट करके फिर हमने इसको कट कर लिया था। ये देखें बिल्कुल सेम साइज़ है। अब हम इसको इस तरह से इसके साथ जॉइंट करेंगे। ऐसे और इस तरह से हम बनाएंगे यहाँ से सिंगल क्रोशिया। ऐसे और ऐसे इस तरह से फिर से हम इसी से बनाएंगे सिंगल क्रोशिया सेम चेन से। देखिए हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाया है। नेक्स्ट चेन से भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन टू सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट टू सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से हम 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 10 चेन तक। देखिए हमने बनाया है अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ तक हम बनाएंगे 10 तक 2 सिंगल क्रोशिया हर चेन से। और ये देखिए मैंने 10 जो है वो बनाया है 10 चेन से सॉरी ये देखिए मैंने बनाया है 10 चेन से 2 जॉइंट सिंगल क्रोशिया, यानी कि 10 चेन से मैंने 20 सिंगल क्रोशिया बनाया है। हर चेन से 2 सिंगल क्रोशिया बनाया है और अब हमारे पास ये बची है 5 चेन यहाँ से इस तरह से। और अब हम इस तरह से बनाएंगे 1 चेन बनाएंगे और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 और ये 2। और अब हमारे पास जो ये 5 चेन है तो हम हर चेन से 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से 2
वन टू वन टू वन टू, ये देखिए वन टू थ्री फोर और लास्ट में ये फाइव। और अब हम इस साइड से भी इसी तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ से वन और ये टू, नेक्स्ट चेन वन और ये टू, वन टू, ये देखिए इस तरह से हम बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव। और अब यहाँ से हम देखें वन टू थर्ड की चेन से इसको इस तरह से क्लोज करेंगे इस राउंड को, वन टू थ्री फोर फाइव और इस साइड से भी फाइव। तो देखिए यहाँ से हम बनाएंगे थ्री चेन, अब टू थ्री चेन और स्टार्ट करेंगे वन और ये टू और ये थ्री। अब इसको जॉइन करेंगे और वन चेन बनाएंगे फिर से वन टू थ्री जॉइंट वन चेन वन। अब हमने हर चेन से इस तरह से पफ स्टिच बनाना है और ये थ्री, देखिए इस तरह से। अब हम हर चेन से एक इस तरह का पफ स्टिच बनाएंगे और ये देखें ये मैंने बनाए हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन मैंने बनाए हैं। और नाइन बनाने के बाद अब यहाँ से हम इस तरह से बनाएंगे, ये देखें वन टू थ्री, नेक्स्ट चेन वन टू थ्री, नेक्स्ट चेन वन टू और ये थ्री। अब इसको यूँ इस तरह से जॉइंट बना के वन चेन बनाएंगे ये देखिए इस तरह से हमने ये थ्री से बना के इसको जॉइंट किया है। अब हम नेक्स्ट फिर से इसी तरह से बनाएंगे वन टू थ्री जॉइन और ये देखें इस तरह से नाइन हमने बनाया, ये देखिए यहाँ से हमने नाइन बनाया है। और उसके बाद हमने थ्री चेन से बना के इसको जॉइन बनाया सेंटर से, कैसे दिखाऊँ, ये देखिए इस तरह से हमने सेंटर से इसको बनाया है थ्री बना के हमने थ्री चेन से, और इसको फिर हमने जॉइन कर लिया। और अब फिर से हम बनाएंगे यहाँ से हर चेन से वन पफ स्टिच टू और ये थ्री जॉइन करेंगे, वन चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वन टू और ये थ्री जॉइन वन चेन।
और ये देखें इस तरह से हम बनाएंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ से हमने जहाँ से स्टार्ट लिया था चेन से हम इसको इस तरह से क्लोज़ करेंगे। ये देखें फिर से बनाएंगे 1 2 3 चेन। तो इसका फर्स्ट राउंड हमने देखें इस तरह से बनाया, यहाँ से हमने बनाए 9, 3 चेन से हमने जॉइन बनाए और फिर हमने यहाँ से दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 बना के इसको क्लोज़ किया राउंड को। नेक्स्ट राउंड के लिए देखें हमने बनाए हैं 3 और अब हम फिर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम बनाएंगे 1 2 3। नेक्स्ट 1 2 3 जॉइंट। वन टू थ्री जॉइंट। वन टू थ्री और ये जॉइंट। देखिए इस तरह से हम बनाएंगे और ये देखिए मैंने बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मैंने पफ स्टिच बनाए हैं। अब हम बनाएंगे इस तरह से 1 2 और ये 3। नेक्स्ट हम यहाँ से बनाएंगे 1 2 और ये 3 और इसको हम इस तरह से जॉइन करके 1 चेन बनाएंगे। ये देखें 2 बने हैं और नेक्स्ट फिर हम से स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 और ये 3 जॉइन करेंगे 1 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट 1 2 3 जॉइन 1 चेन। नेक्स्ट 1 2 3 जॉइंट 1 चेन। नेक्स्ट 1 2 3 जॉइंट चेन। 1 2 3 और ये चेन इस तरह से। और ये देखिए मैंने बनाए हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ से हम बनाएंगे 9 1 2 3 जॉइंट 1 चेन। और ये देखें जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था वहाँ से हम इसको स्लिप स्टिच के साथ क्लोज़ करेंगे। सॉरी फिर से बनाएंगे 3 चेन 1 2 3 चेन और यहाँ से हम फिर से सेम वही पफ स्टिच स्टार्ट करेंगे हर। ये देखें इस तरह से 1 और नेक्स्ट भी हम इसी तरह से बनाएंगे 9 पफ स्टिच हर लूप से। ये देखें हर यहाँ से गैप से 1 पफ स्टिच
और ये देखेंगे मैंने 9 बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अभी वहाँ से हम फिर से 2 जॉइंट बनाएंगे, ये देखें ये हमारा 1 हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ से बनाएंगे, ये देखें 1 2 3, और इसको यूँ जॉइंट करके हम चेन बनाएंगे। फिर से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2, और देखिए इस तरह से हम बनाएंगे 9 पफ स्टिच, और सेंटर से यहाँ हम 2 जो है वो जॉइंट बनाएंगे, और फिर से 9 पफ स्टिच, और यहाँ आके हम फिर से इसको 3 की चेन में क्लोज करेंगे, और दोबारा से यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। और यहाँ हम फिर से 2 जॉइंट बनाएंगे, और इसी तरह से हम बनाएंगे इसके राउंड 6। सो फ्रेंड देखिए इसके मैंने 6 राउंड बना लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 राउंड। और अब हम बनाएंगे 1 2 3 चेन, ये देखिए 3 चेन बनाएंगे, और हम बनाएंगे यहाँ से 1 2 3, नेक्स्ट 1 2, और ये 3, और इसको हम इस तरह से जॉइंट बनाएंगे और 1 चेन बनाएंगे। और फिर से नेक्स्ट हम 2 को बना के जॉइंट करेंगे, 1 2 3, 1 2 3, और इसको हम इस तरह से जॉइन करेंगे, 1 2 3, 1 2 3 जॉइंट, 1 चेन, ये देखिए इस तरह से। और ये पूरा राउंड हम इसी तरह से बनाएंगे, ये देखिए हमने 1 2 3 4 5 6, और ये हमारा 7 राउंड है पफ स्टिच का। और ये देखिए इसमें हमने पूरा ये राउंड जो है मैंने जॉइंट बनाया है, और ये देखें अब हम इसको इस तरह से कट करेंगे, यहाँ से हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 चेन बनाएंगे, और थोड़ा एक्स्ट्रा धागा रख के हम इसको कट करेंगे। और देखें यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, और ये 5 से, ये देखें यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले बनाएंगे स्लिप स्टिच, बनाएंगे 1 2 चेन, और ऐसे
पाफ स्टिच बनाएंगे। इस तरह से वन चेन, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए यहाँ से हमने थ्री बनाया, 1 2 3। अब हम इस साइड को टर्न करेंगे और यहाँ से वन चेन बना के यहाँ से स्लिप स्टिच बना के सेंटर में आएंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे थ्री चेन बना के पफ स्टिच, 2 3। नेक्स्ट गैप से 1 2 3 जॉइंट करेंगे और यहाँ से वन चेन बनाएंगे। ये देखें इस तरह से, टू चेन बनाएंगे और यहाँ से देखें, यहाँ से हम बनाएंगे स्लिप स्टिच और इसको वन चेन बना के कट करेंगे। अब यहाँ देखिए हम येलो कलर लेंगे, देखिए इस तरह से और ये देखिए 1 2 3 4 और ये चेन 4 से हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे स्लिप स्टिच और फिर बनाएंगे 1 2 चेन, हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर से बनाएंगे 1 2 चेन, सेम चेन से बनाएंगे स्लिप स्टिच एंड 1 चेन और कट। और हम देखें स्टार्ट करेंगे 1 2 3 चेन 4 से, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इस तरह से स्टार्ट में बनाएंगे 2 चेन, हाफ डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और 1 2 चेन और यहाँ से फिर से सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन से सिंगल क्रोशिया, फिर से बनाएंगे 2 चेन और सेम चेन से हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन एंड सिंगल क्रोशिया, ये देखें इस तरह से, फिर से नेक्स्ट चेन से सिंगल क्रोशिया,
वन टू चेन और सेम चेन से हाफ डबल क्रोशिया, वन टू चेन और सेम चेन से फिर से सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से वन चेन बनाएंगे और इसको सॉरी यहाँ से हम बनाएंगे स्लिप स्टिच, वन चेन एंड कट। और ये देखिए इस तरह की हमें आइस चाहिए और हमें चाहिए UHU ग्लू। ये आइस जो है ये बनी हुई मार्केट से मिल जाती हैं, साइज़ भी डिफरेंट इनके मिलते हैं छोटे बड़े। ये जो मेरे पास साइज़ पड़ा हुआ था अभी ये है, ये साइज़ जो है वो बड़ा है, मुझे इससे छोटा एक नंबर चाहिए था लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं यही आपको जो है वो लगा के बता देती हूँ। लेकिन अगर आप इस साइज़ के हिसाब से आइस का साइज़ जो है इससे छोटा मुझे चाहिए था तो आपको मिले तो आप ज़रूर वो लगाइएगा। और देखें दूसरे को मैंने इस तरह से ब्लैक जो है वो आप कोई भी मोती या स्टोन घर में हो वही UHU ग्लू के साथ आप तरह से आइस की जगह पर लगा सकते हैं, लेकिन ये जो है ये परफेक्ट आइस बनी हुई मिलती हैं और ये खूबसूरत भी ज्यादा लगती हैं। We'll